Is it chicken? No. उसको डॉल्फिन फिश बोलता है ना? डॉल्फिन मछली है। डॉल्फिन फिश। वाव। चकमा में आंगुल मास बोलता है ना? जो दांत निकल के होता है ना? ओह। इंसान लोग। वो फिश भी मतलब ऐसा है इसलिए आंगुल मास बोलता है। ये वाला and this one red meat. Beef. Beef. Buffalo. Buffalo. Let me try chicken. अंदर में मैरिनेट जो है बहुत टेस्टी हुआ। दाल के साथ बनाया है रेडिश। What? Buff and रेडिश। रेडिश ओके। And this one chili. Chili. इलिश मास। बफेलो, स्मोक बफेलो। ये ना इसको दो मौसमी बोलता है ना चिली के पास इसे ना थोड़ा देखे हाँ चिली देखे सुगुने ओके बहुत टेस्टी है तो मीट जैसा है टेस्टी कुक करता है इसको तो फ्राई कर दिया ना फिश चिकन रेड मीट एंड अगेन ड्राई फिश एंड अगेन ड्रैगन फिश डॉल्फिन फिश ड्रैगन फिश मतलब हम लोग का ट्रेडिशनल ना फूड कैसा है बहुत फेवरेट मेरे को फेवरेट है बहुत टेस्टी है ऐसा खाने लकी होना पड़ेगा ऐसा खाना खाने के लिए लकी होना पड़ेगा पहले तो जो मैं हूँ ये क्या है ब्रिंजल ब्रिंजल लोकल है यार सब लोकल घर से वो सेंड किया है ना मिजोरम से again red meat tasty तारो स्टाइल है वो पूरा का पूरा मिक्स करके ये पूरा सब
अच्छे से मिक्स करेगा ना, जो जूस है चिकन का हो या फिश का हो, सब घुस जाता है राइस में। मतलब तुमको अच्छा लगता है ऐसा? हाँ, फ्लेवर जो और भी ज़्यादा अच्छे से आता है। अच्छा अच्छा, मूला 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 और वो बफेलो में इतना स्मोक बफेलो बहुत टेस्टी है। बफेलो कहाँ से लाया? घर बफेलो घर से ना, मेरा बॉयफ्रेंड का वो लोग सेंड किया। फिश पे मीट जैसा लग रहा है आज तो। फर्स्ट ब्लॉक या ये खाना उसमें बहुत सारा डिश था। हाँ। अलग अलग। पूरा ट्रेडिशनल टाइप गया वो वाला। हाँ। वहाँ में जो फ्लेवर था अलग ही था वहाँ में। फर्स्ट ब्लॉक बहुत टेस्टी लगा मुझे। और ये सेकंड अभी ये वाला। हाँ। हमें नॉन वेज में ज़्यादा फोकस वाला है ये। हाँ हाँ, मोस्टली नॉन वेज में बेस्ट है। सो जिस लोग को नॉन वेज अच्छा लगता है उसके लिए ये मतलब ये डिश बेस्ट होगा। बेस्ट ये वाला हैवी है, ये वाला फिश भी है, ड्राई फिश भी था और बफेलो मीट भी था, चिकन भी था और डॉल्फिन। टेस्टी होगा, मतलब जो नॉन वेज वाला लोगों के लिए अच्छा होगा ये ना। ज़्यादा खा दिया, मेरे शक भी नहीं रहा। टेस्ट ही अलग होता है इलिश का थोड़ा।